गणेशोत्सव के बीच ज्येष्ठा गौरी की पूजा की जाती है, जिसकी स्थापना मंगलवार को होनी है। कोरोना की वजह से बाजारों में हर साल दिखने वाली रौनक अभी नजारत है, मगर इस साल कोरोना की वजह से ये रौनक कम दिखाई दी है। गणेश उत्सव का आरंभ हो चुका है, इसी के साथ महाराष्ट्र में ज्येष्ठ गौरी पूजा का उत्सव भी मंगलवार से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी में लोग जुट गए हैं। इसी कड़ी में बाजार की रौनक में कोरोना की वजह से दुकानदारों पर आर्थिक संकट की नौबत आई है। गौरी पूजा के लिए नागपुर के चितारोली में मूर्तिकार और साज सजावट दुकानदारों ने बताया कि इस साल कोरोना की वजह से दुकानों में खरीदार नहीं आ रहे हैं। उद्यापासून सध्या महालक्ष्मी तो गौरी पूजन होता है आपल्याकडे, तरी पण मार्केट मध्ये जी परिस्थिती आहे त्याच्यानुसार असं वाटते की गिराईक पाणी एकदम नाहीच्या बरोबरीत आहे। नाही तर यावेळेस सहजासहजी इतकी लाईन बाळाचे कपडे झाले, बाळाचे चेहरे झाले, मोठे मुकुटे झाले, पायल्या झाल्या, ह्या इतक्या प्रमाणात विकतात की अशी भीड राहते। यावर्षी कोरोनाच्या कोविडमुळे काहीच नाहीच्या प्रमाणात एकदम 20% धंदा आला आहे। दुकानात अशी खाली खाली गिरायकी आहे, काहीच नाही। ते सहजासहजी मार्केटमध्ये जी रौनक राहते यामुळे पूर्ण धंदे पाणी चौपट झाले आमचे, काहीच नाहीच्या बरोबरीत आहे। ज्येष्ठ गौरी की स्थापना मंगलवार को होगी, बुधवार को गौरी पूजा और तीसरे दिन गौरी का विसर्जन किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ NBCN के लिए स्वप्निल बुंधारे की रिपोर्ट।